ने गुरुवार की शाम झाड़ियों में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने 7 जुआरियों को रंगे हाथ धर दबोचा। हालांकि एक जुआरी फरार होने में सफल हो गया। गिरफ्तार जुआरियों से नकदी, मोबाइल, दोपहिया वाहन, ताश पत्ते आदि लाखों रुपए का माल जब्त किया गया। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त मनीष कलवानिया ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कपिल नगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले दत्तात्रेय नगर राजनंदिनी लेआउट में एक निर्जन स्थल में जुआ अड्डा चल रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उक्त जगह छापा मारा और 7 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार आरोपियों में अरविंद मुलायम सिंह यादव, केजीएन सोसाइटी, कौशल राम नरेश शाहू, अर्जुन सीताराम यादव दोनों रमई नगर, मोहम्मद राशिद रहमत अली, शहजाद सिराज खान दोनों मोमिनपुरा अंसार नगर, संदीप नामदेव पुड़के योगी अरविंद नगर और शेख सरफराज शेख यूसुफ न्यू माड़ा कॉलोनी शामिल है। वहीं इनका साथी अजीत यादव मौका पाकर फरार होने में सफल हो गया। काल कपिल नगर पुलिस स्टेशन हद्दीत संध्याकाळी 7:15 वाजता एक निर्जन स्थल आहे, तिथे आमचे विशेष पथक DCP झोन 5 चे विशेष पथक यांनी रेड करण्यात आली होती। जो एरिया आहे तो दत्तात्रेय नगर राजनंदिनी लेआउट, तिथे झुडपी एरिया आहे, तिथे रेड केली होती आणि त्या रेडमध्ये टोटल 34,500 रुपये नगदी आणि 7 मोबाईल फोन तसेच 4 मोटरसायकल असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता। टोटल मुद्देमाल 3,45,000 असा मुद्देमाल होता आणि 7 आरोपी त्याच्यामध्ये अटक करण्यात आलेले आहे। अजून त्याच्यामध्ये तपास चालू आहे, इतर काही आरोपी तिथून पळून गेले आहेत। अरविंद मुलायम सिंग यादव म्हणून एक 32 वर्षाचा व्यक्ती आहे, त्याचे तो याच्या जुआचा जे आहे मेन आयोजक म्हणू शकता आपण, आणि जुआचं हे जे आहे ते 5-4 दिवसापासून आम्हाला माहिती भेटत होती की असं काहीतरी झुडपी जंगलमध्ये ते जगे बदलून ते खेळत होते। 4-5 दिवसापासून आम्हाला माहिती भेटत आहे, राहणार त्याच परिसरात राहणार आहे। आरोपियों के कब्जे से नगद 34,555 रुपए, विविध कंपनियों के 7 मोबाइल, दोपहिया वाहन, पानी की कैन, ताश पत्ते आदि समेत कुल 3,65,350 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।